Third move, DJ. वेल, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जब मुझे इस गाने के बारे में बताया गया था तो मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना ग्रैंड कॉन्सेप्ट भी शूट किया जा सकता है ऐसे सिंपल सॉन्ग के साथ. सत्या ने मेरे को लाइक यू नो ही कॉल्ड मी फॉर दिस सॉन्ग एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट और गाना तो ऑलरेडी अच्छा था ही एंड फाइनली भी बहुत अच्छा निकल के आया है. तो आई एम रियली श्योर ये गाना बहुत अच्छा करेगा बिकॉज इसके सारे एलिमेंट्स जो स्तंभ होते हैं किसी भी गाने के, अच्छी मेलोडी, अच्छा लिरिक्स, अच्छा म्यूजिक वीडियो, वो सारी ही चीज़ें हैं इसमें. तो आई थिंक श्योर शॉट इट्स गोना बी अ हिट. या वेल, ये गाना मेरे पास आप कह सकते हैं बड़ा लॉकडाउन फेज में ही आया था. मैंने अपने घर पे ही रिकॉर्ड किया था इस गाने को. सारा काम फोन पे हो रहा था. सत्य वॉज लाइक कि हम लोग शूट के लिए जा रहे हैं और ऐसा ऐसा फील है ये सॉन्ग का, तो सारा हम लोगों ने फोन के ऊपर ही किया. बट किसी भी सिंगर के लिए गाने का मूड इंपॉर्टेंट होता है, तो मेरे लिए स्टोरी लाइन जानना बहुत जरूरी था, तो इसलिए मैंने इनसे स्टोरी भी पूछा. तो स्टोरी जानने के बाद मुझे समझ आ गया कि इस गाने का पल्स क्या है और किस मूड में इसको लाइक गाना है. तो उसके बाद फाइनली अब गाना आप सबके सामने, आप बताइए मैंने जस्टिस किया है कि नहीं. याद ही यही है कि पहली बार में इनको थोड़ा लगता है कम पसंद आया था, तो मैंने 2-3 बार गाए थे इस गाने को. नहीं यार, यू नो मुझे लगता है कि हर किरदार अगर एक टीम का अपना बेस्ट दे तो प्रोडक्ट अच्छा निकल के आता है. तो इसलिए मतलब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी. मैं तो चाहता था गाना मेरी आवाज़ में आ रहा है तो बहुत अच्छा निकल के आए, और ये टीम एफर्ट है, सबने अपना बेस्ट दिया है, तो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगा. रस में उल्फत निभाने आजा, मुझको मुझसे मिलाने आजा, तेरे बिना मेरी सांस अधूरी, तेरे बिना मेरी रात अधूरी, मेरी होके तू मुझ में समा जा, कभी आ भी जा तू रूबरू जी, भर के तेरा दीदार करूं, कभी आ भी जा तू रूबरू जी, भर के तेरा दीदार करूं. थैंक यू सो मच. ऑडियंस में ही कहना चाहूंगा कि आप लोग ऑलरेडी अच्छे म्यूजिक को पसंद करते आए, प्रमोट करते आए, और प्लीज हमारे गाने को भी खूब सारा प्यार दें. आप क्या कहना चाहेंगे यार? यहाँ मैं तो क्या दूसरी बार दूसरे गाने में कटी. सत्या को मजा आता है मेरा कटवाने में. बट नहीं, एवरीथिंग सेड एंड डन, द सॉन्ग इज ब्यूटीफुल. उन्होंने यहाँ खड़े होकर मुझे गूज़बम्प्स दे दिए. सो आई एम श्योर द सॉन्ग विल डू रियली वेल. ये जैसे बताया कि लॉकडाउन फेज में हमने शूट किया था, सो मैं सत्या के घर गया था ये सुनने के लिए गाना, एंड वी हर्ड लाइक 3-4 कॉन्सेप्ट्स, एंड दिस वॉज द फर्स्ट कि मेरे को, मैंने बोला ये वाला तो शूट करना ही है, और इनकी आवाज़ जब सुनी मैंने बोला यार दिस इज द बेस्ट सॉन्ग आई वांट टू शूट फॉर. और हमने पूना में शूट किया, एंड द परफेक्शनिस्ट हियर सत्या, एक टेक में तो कभी कुछ ओके नहीं करते, तो काफी मेहनत लगी हमने 2 दिन में ये गाना शूट किया, बट इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. रिजल्ट आपके सामने ही है. वेरी प्रोफेशनल, और काम करने में मजा आया पूरी आरडी बीट्स टीम के साथ. तो आई वुड से कि ऐसे और लोग इंडस्ट्री में आएंगे तो काम इजी भी हो जाएगा और एक्टर्स को मजा भी आएगा काम करने में. अच्छा, स्टेज पे आप स्क्रीन जब आप शेयर कर रहे थे तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका और कितना कंफर्टेबल थे? यार निकिता के साथ मेरा दूसरा गाना था, तो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद हर, प्लस एन एक्टर हम जल्दी ट्यून अप विद द होल टीम एंड एवरीथिंग, और बाकी लोग इतने अच्छे हैं यार. आप एक्टर कंफर्टेबल, अगर टीम कंफर्टेबल है, हम कंफर्टेबल हैं. नहीं, मैं ओके किया था यार. जब हीरो का कटता है, हीरो को दुख होता है, तभी तो लड़कियों को मजा आता है. और अच्छा है ना, इन अ वे मेरा कटा पर उस लड़की ने कि मेरे लिए किसी और को धोखा नहीं दिया जिसके साथ वो गरीबी में थी, उसी के साथ था. ये सबसे दैट इज द बेस्ट मेसेज. मेरा कटना इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो लड़की अपने प्यार के साथ थी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट.
दैट इज द लेसन राइट सत्या दैट इज द लेसन कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे यार सुजीत वाज द डायरेक्टर एन अमेजिंग डायरेक्टर उसके साथ मैंने हिंदुत्व भी शूट करी है चार गाने थे हिंदुत्व के उनके साथ शूट किया तो उसके साथ शूट करने का पूरा एक्सपीरियंस सत्या लोगों के साथ भाई के साथ पार्टी करने का एक्सपीरियंस आफ्टर द शूट वाज अमेजिंग सो आई विश दिस सॉन्ग रियली डज वेल और हम लोग मिलियंस वी रीच इन डेज मेरी मूवी रिलीज पे है हिंदुत्व मेरा शो आ रहा है सोनी पे गरुड़ 14th को वो लॉन्च है तो उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है परसों एंड देन आई हैव अ नेटफ्लिक्स मूवी द केस ऑफ गिल कमिंग विद रणवीर शोरी तो तीन चार अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं मेरे लाइंड अप इंशाल्लाह ये साल अच्छा रहेगा वॉच दिस सॉन्ग इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग आपको मजा आएगा देखने में यू कैन जस्ट कीप इट ऑन रिपीट मोड जब आपका दिल टूटता है तो ऐसे सॉन्ग अच्छे लगते हैं यार सो जस्ट गो एंड सब्सक्राइब टू आरडी बीच एंड वॉच दिस शो 100 टाइम्स थैंक यू कॉन्सेप्ट तो दो तीन आए थे लेकिन बाद में ये फाइनल हुआ लेकिन मुझे डाउट था कि जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट मुझे बताया गया था सत्य और सुजीत ने मुझे डाउट था कि ये कॉन्सेप्ट शायद नहीं चलेगा मतलब नहीं शूट हो पाएगा इतना ब्यूटीफुली जितना अच्छा शूट हुआ है और आप लोग बता दो ये पूरा का पूरा गाना सत्य और सुजीत और पूरी टीम ने एक दिन में शूट किया मतलब दैट वाज अमेजिंग दैट वाज अमेजिंग द गाइस अंकित निकिता ने जो मेहनत की है इस पे मतलब जो कॉस्ट्यूम चेंज आप देखो कितने सारे कॉस्ट्यूम चेंज है कितने सारे लुक्स चेंज है ये लोकेशन चेंज है और सारा का सारा एक दिन में मतलब पूरा का पूरा कोऑपरेट किया अंकित और निकिता ने जो सच्ची मुझे एक्सपर्ट नहीं था क्योंकि लोग एक्टर्स हैं इनको एक एक दिन के काम तीन दिन में करने की आदत है तो यहाँ पे इन्होंने तीन दिन का काम एक दिन में किया बट और ब्यूटीफुली निकल गया है सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल निकल गया है कितना डिफिकल्ट रहा ये पूरा सॉन्ग जो है वो रिकॉर्ड करना क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा था और प्रॉब्लम्स तो थी डिफिकल्ट तो मेरे को सॉन्ग के बाद होता जब सत्या पैसे मांगता था बाकी टाइम मेरा तो कुछ काम था ही नहीं आई बिलीव जैसे अश्विन का काम खत्म हो गया था वैसे मेरा काम भी रात के बाद शुरू होता था बाकी टाइम इनका ही काम था इनको डिफिकल्टी थी मेरे को कोई डिफिकल्टी नहीं थी बट मैं खुश हूँ कि गाना अच्छा निकल गया ऑडियंस से मैं एक ही बार अपील करूँगा कि ये गाना देखिए आप रिपीट मोड में देखिए ट्रस्ट मी ये गाना आपको बहुत पसंद आएगा शूट अच्छा हुआ है और एंड बहुत अच्छा है इसका जो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ होता है वही एंड है एक्चुअली इसके अंदर काम करना वाकई में जब ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने चुना था तो हमारे बॉस का इतना प्रेशर मेरे ऊपर था कि एक दिन में तू कर पाएगा वो मेरे लिए सबसे ज्यादा टेंशन का सब था फिर मेरे लिए चैलेंज था कि इस चीज को मैं अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके मैं उसी को प्रूफ कर सकूं कि ये भी हो सकता है और वो फाइनली आप लोगों ने देखा है और आप लोगों ने उसका आप लोग उसको अप्रिशिएट भी किया आपने तो इसलिए मैं खुश हूँ इस चीज़ को लेके और हमारे एक्टर्स ने सबसे इसमें मेहनत किया जैसा बोला गया जैसे कहा गया उन्होंने लगातार 18 घंटे इन्होंने कंटिन्यू बिना कोई ब्रेक के बिना कोई इसके शूट किया है तो इसके लिए थैंक्स हमारे ऑल टीम को एंड आर्टिस्ट को जब आप कोई भी कोई भी काम अगर आप करते हो अगर उसमें आपकी प्रॉपर प्लानिंग है तो आप कोई भी काम प्लानिंग के साथ करोगे तो उसमें सफल होगे आपके दिमाग में कुछ और होगा पेपर पर कुछ और होगा तो कभी वो सक्सेस हो ही नहीं सकता लेकिन दिमाग पेपर दोनों सेम है तो आप उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं एक्टर को गाना सुनने के बाद भी तो उनको लगता है कि गाना है नहीं है अच्छा चलेगा नहीं चलेगा तो वो सुनने के बाद जो अंकित ने जो रिस्पॉन्स दिया जो निकिता ने रिस्पॉन्स दिया उसकी वजह से ये शूट कंप्लीट हो पाया अरे अरे इस बात के लिए मैं बहुत थैंक्स हूँ अंकित भाई ने ही परेशान नहीं किया और सबने परेशान किया अंकित भाई ने परेशान नहीं किया सामने इसलिए नहीं बोल रहा मैं ऑडियंस से ये अपील करना चाहूंगा कि आपके आरडी बीट्स पे आने वाले दिनों में आपको इससे भी ज्यादा मोर एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जो आजकल देखने को मिलता नहीं सेम रिपीटेशन सेम कुछ नया देखने को मिलेगा तो इस गाने को आरडी बीट्स को सब्सक्राइब करें लाइक करें और इस गाने को मिलियंस व्यूज में पहुंचाएं आप लोग सर मुश्किल तो कुछ नहीं था काम है तो कुछ ना कुछ निकलते रहता है नई नई चीज़ें
सबसे अच्छी बात क्या है कि जो गाने की लाइन है रस्म उल्फत निभाने आजा, उसको पूरा जो है ना, मतलब जिस तरह की लाइन है उस तरह से इन लोगों ने पेश किया गाने को, और इंसाफ हुआ गाने के साथ में देखा जाए तो। मैं सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। मैं सुबह सुबह आज सत्या को फ़ोन किया था, सत्या सुबह फ़ोन किया था कि भाई ये किसका कॉन्सेप्ट है, कमाल है। और मैंने उस पर भी जाके, आप देखिएगा जो टीजर आया हुआ है उसके नीचे भी लिखा है भाई कि किसने किया है ये कॉन्सेप्ट, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। और कमाल की एक्टिंग, कमाल का सूट, और ये समझिए मज़ा आ गया। इससे ज़्यादा क्या कहें, एक ही लास्ट शब्द की मज़ा आ गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। धन्यवाद। मतलब विद बोथ द कैरेक्टर्स इन बोथ द सॉन्ग्स। देखो मैंने दूसरे गाने के लिए भी कर दिया मैंने आपका, है ना, ऑन द फ्लोर के लिए भी इन्होंने हमें क्या जो कॉस्ट्यूम दिए थे, अल्टीमेट कॉस्ट्यूम थे। अब आप बोलिए। द बेस्ट पार्ट वॉज जो भी कॉस्ट्यूम्स थे उनके साथ इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है कि ये नहीं ऐसा पहन लेते हैं, कुछ नहीं ऐसा पहन लेते हैं। मतलब इन्होंने मुझे परेशान नहीं किया कॉस्ट्यूम ट्रायल्स और चेंज के टाइम पे, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत फूट गई। पूरे शूट में मैंने टैंट्रम नहीं दिखाया किसी के साथ भी। और बेस्ट पार्ट इज मैंने थोड़ा सा एक सेकंड इनके साथ स्क्रीन भी शेयर किया है। ओह यस यस यस, you are there in the screen as well, so that doesn't matter, but I would say please follow RD Beats, go subscribe the channel, like the songs, keep on repeating. Mera dil do baar toota hai, dono baar ye gana maine suna hai, so go and subscribe guys, RD Beats, thank you. Yeah.